नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर आए हम आपके अपने में। जी हाँ साथियों, मधुबनी विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त बहुत ताजा अपडेट निकल के सामने आ रही है। हाँ साथियों, हम आपको बता दें मधुबनी विधानसभा चुनाव जल्दी ही होने वाले हैं। इसको लेकर नए उम्मीदवारों ने बीजेपी सरकार की सांसें और बढ़ा दी है। जी हाँ साथियों, इस बार हम बता दें कि बीजेपी नहीं बनाएगी सीएम शिवराज को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। जी हाँ साथियों, दिग्गज उम्मीदवारों ने बना लिए कई प्लान। जी हाँ साथियों, जाने इस वीडियो के माध्यम से आखिरकार क्या होने वाला है इस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव। हाँ साथियों, इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा डाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हाँ जी साथियों, बने रही निश्चित इस साल में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले जब बीजेपी प्रदेश के सक्रिय होती हुई नजर आने लगी। हम आपको बता दें बीजेपी ने उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी कर दी है। सोमवार को जारी लिस्ट दूसरी लिस्ट के बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी नजर आने लगा। जी हाँ साथियों, हम आपको बता दें बीजेपी नरेंद्र सिंह तोमर का पहलाज सिंह पटेल और फग्गन सिंह जैसे केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में उतारने का भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर संशय को बरकरार रखा गया है। जी हाँ साथियों, इस बार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का रास्ता भी खुला रहेगा। इन तीनों नेताओं ने मिलकर मुख्यमंत्री बनाने का केंद्रीय मुख्यमंत्री ज्योतिराज सिंधिया को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया है। इस बार मध्य प्रदेश में ज्योतिराज सिंधिया को मध्य प्रदेश का सीएम बनाया जाएगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर सीएम शिवराज को एक और बड़ा झटका लगता हुआ कि इनके एक और बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, जिससे बीजेपी सरकार को एक और बड़ा झटका लगा हुआ है। जी हाँ साथियों, इसमें हम बता दें कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया को छोड़कर सभी क्षेत्रीय नेताओं ने 9 दिसंबर में संभव विधानसभा चुनाव लड़ने के साथ पार्टी की उम्मीदें जगाई हुए हैं। इसमें गुटबाजी का कम हो गई है। जी ऐसा भी है, एक ऐसा मुद्दा आगे जिसमें राज्य संगठन को परेशान भी नहीं किया गया है। जैसा भी बोले चलिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस बार मध्य प्रदेश का सीएम किसको होना चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं इन वीडियो में।